श्री राम सेना हिंदुस्तान राष्ट्रीय प्रभारी देवीलाल सोनी द्वारा मंगलवार को दाता नगर आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले 20 बच्चों को गर्म कपड़े बिस्कुट चॉकलेट्स बांटे गए। अध्यक्ष देवीलाल सोनी ने बताया आगे भी इसी तरह बच्चों के लिए कार्य किए जाएंगे। संस्था का उद्देश्य है कि बच्चे अच्छे पढ़कर देश का नाम रोशन करें। अजमेर में भी जितनी भी आंगनबाड़ी है इसी तरह बच्चों की मदद करेंगे और आगे से इसी तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। इस मौके पर श्री राम सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज श्री राम सेना दाता नगर आंगनबाड़ी स्कूल के अंदर में जो हमारे 4 साल 5 साल के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में हम काफ़ी मदद कर रहे हैं। और मैं आज बच्चों को हमने जो संस्था के थ्रू से मदद दी गई थी सर्दी के अंदर में माथे के टोपे मोजे और पार्ले जी बिस्कुट और चॉकलेटें बांटी गई। मैं इसी अजमेर के अंदर में जितनी भी आंगनबाड़ी चल रही है हर बच्चों की इसी तरह मैं मदद करूँगा। मैं हर बच्चे से चाहता हूँ कि इसी तरह बच्चे पढ़कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और आने वाली टेम पे श्री राम सेना इसी तरह मदद करती रहेगी। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।